नमस्कार, जय जगन्नाथ। मुझे आपण मानक स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल जार नाँ हूँ जीएस वर्ल्ड। एमें आगक आसुवा जिते सब कॉम्पिटिटिव परीक्षा गुड़ाक अच्छी ओ डबल एस सी ओ ट्रिपल एस सी एफ सी आई से सब से जो सब आसे जीएस से उपरे डिस्कशन करवा। चलतु आउ डेरी नक आज आरंभ करवा। हाँ, आउ गोटे कथा, एम सी क्यू गुड़ाक आम जदि एम सी क्यू हिसाब से पढ़ा तेल आम परीक्षार गला बेले बहुत कन्फ्यूजन हो जावा, जोद्वारा कि आमर जो एग्जाक्ट उत्तरटा से मन रही। तेणुक मुझे आपण मानक डायरेक्ट प्रश्न सहित तार उत्तर डिस्कसन करेबी। चलतु आ डेरी नक आरंभ करवा। प्रथम प्रश्न, एनेमिया डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिसीयसी अफ आईरन। यहाँ मोस्टली झील मानक जो फिमेल मानक होता है, हिमोग्लोबिन प्रेजेंट था आईरन, जोटा आम ब्लड रिप्रेजेंट था, जोटा कि आम विटामिन के जो के हूँ एथिपाई रेस्पॉन्सिबल। डायबिटीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन अभाव रे भी आमको डायबिटीज हुए एंड इंसुलिन रो अधिक मात्रा हेले भी आमको डायबिटीज रोगटा होता है, जोटा कि कहा डायबिटीज मेलिटस आउ डायबिटीज फालिसिपारन। कैरट इज द सोर्स ऑफ विटामिन ए। कैरट्रे आम विटामिन ए अधिक प्रेजेंट था। कोलेरा इज ट्रांसमिटेड बाय बैक्टीरिया। कोलेरा मोस्टली आम विब्रियो कोलेरा द्वारा होता है, बैक्टीरियल डिजीज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फाउंड इन डाइजेस्टिव जूस, जोटा कि एच सी एल, जो डाइजेशन रे हेल्पफुल होता है। यहाँ अधिक हेले आम कौन हुए ना एसीडिटी हुए। स्प्लीन इज कॉल्ड ब्लड रिजर्वेशन बैंक। स्प्लीन रे आम कौन रक्त तैयारी हुए, ब्लड रिजर्वेशन बैंक बोली कहुए। एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल इज लिजार्ड। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन ब्लड क्लटिंग, क्लटिंग ऑफ ब्लड रक्त जमाट बांधिया हेल्पफुल हुए। द स्टडी ऑफ ब्रेन एंड हेड इज रिलेटेड टू फेरेनोलोजी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोलोजी। यहाँ आम न्यूरोलोजी जो मैंने ब्रेन आउ ये डॉक्टर मैंने शुणी थे, जोटा कि न्यूरोलोजिस्ट बा न्यूरोसर्जन कहते, यू ऑलरेडी आम कह सहित फेरेनोलोजी। वाटसन एंड क्रिक गेव द मॉडल डीएनए स्ट्रक्चर। वाटसन आउ क्रिक दु जन वैज्ञानिक थे जिकि डीएनए स्ट्रक्चर उपरे, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अच्छी डीएनए तापर एक्सप्लेनेशन दे। एस्टिग्मेटिज्म अकर व्हेन द कॉर्निया डज नॉट हैव ट्रूली स्फेरिकल शेप्ड। द डिफेक्ट कैन बी कॉज्ड बाय द लेंस ऑफ, एटा गोटे आखि रिलेटेड डिजीजटा, जोटा कि सिलिंड्रिकल शेप्र लेंस यूज हुए। कॉर्निया इज ए ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इट्स मेन फंक्शन इज रिफ्रैक्ट द लाइट। द मिडिल ईयर, आमर जो मिडिल ईयर अच्छी तीनटा जिनस कनसीस्ट होती, माने आप तीन टा जिनस रेस्पॉन्सिबल थाए, दैट इज मालियस, इनकस एंड स्टाफे। द एयरड्रम, जोड़ा एयरड्रम जोड़ा कि आम परदा बोली कह जाए, जो द्वारा आमको कान को शुभा जाए, दैट इज कॉल्ड टैफेनम। ल्यूकोसाइट्स आर लाइकली टू इनक्रीज द क्वांटिटीज व्वेन द बॉडी इज अंडर अटैक फ्रॉम बैक्टीरिया। ल्यूकोसाइट माने डब्ल्यू बी सी, जोड़ा कि आम व्हाइट ब्लड सेल कही था। आम बॉडी भितर को जदि कौन सी वायरस किंबा कौन सी बैक्टीरिया के जदि अटैक कला ता अगेंस्ट रे आम बॉडी कौन करता है ना ल्यूकोसाइट को पठाई था ता अगेंस्ट रे फाइट करने। येलो फाइबर्स आर मेड ऑफ इलास्टिन। व्हेन द ग्लैंडुलर सेल ब्रेक डाउन कंप्लीटली द ग्लैंड इज नोन एज होलोक्राइन ग्लैंड। दिस होलोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। हमर एंडोक्राइन ग्लैंड्स अच्छा हम बॉडी भितर जो मैंने हार्मोन्स प्रोड्यूस करते, एक्सोक्राइन ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड इट। पेरिकोंड्रियम कवर्स द कैटिलेज। कैटिलेज आम कान प्रेजेंट था। हाइलाइन कैटिलेज इज प्रेजेंट एट आर्टिकुलर एंड ऑफ लॉन्गेस्ट बोन, जोड़ा आम लॉन्ग बोन अच्छी तार आर्टिकुलर एंड रे हाइलाइन कैटिलेज प्रेजेंट था। द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच द बोन इज फॉर्म्ड। द मेन डिफरेंस बिटवीन द बोन एंड कैटिलेज, बोन आउ कैटिलेज भितर डिफरेंस कौन ना से भितर ब्लड वेसल्स गुड़ाक प्रेजेंट था, तो ब्लड वेसल इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कैटिलेज। 60% इनऑर्गानिक कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन बोन रे, आमर सबुठ अधिक इनऑर्गानिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट था।
आरबीसी दैट लेक्स डेस व्हेन दे आर मैच्योर ऑफ मैन मैन रे मैच्योर टाइम रे आरबीसी कौन लैक करे ना न्यूक्लियाई लैक करे ब्लड क्लॉट इज मेनली ड्यू टू फिब्रिन एंड कॉर्पोसेल्स आज पाई एतिकि आगो को जो पर सब अपकमिंग एग्जाम गुड़ाक आसुचे आम प्रत्येक दिन ता विषय किसी किसी जीएस डिस्कशन करेंगे जो जनरल स्टडीज जो थे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी इंडियन मैप वर्ल्ड मैप साइंस साइंस अंडर फिजिक्स केमिस्ट्री सब आम डेली डेली किसी किसी प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा जोटा आपण मान आगामी एग्जाम हेल्पफुल हम ভিডিওটি যদি আপনার ভাল লাগিছে তাহলে লাইক করিবে শেয়ার করিবে আপনার সাংগ মানক সহিত এন্ড সাবস্ক্রাইব মধ্যে করিবে ধন্যবাদ।